फ्रेंड, आज मैं आपको कोरोना के दौरान फ्लाइट ट्रेवल की रूल दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पटना एयरपोर्ट है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी ध्यान रखी गई है एंड क्लीनिंग की भी, हर जगह सैनिटाइज हो रही है। और ये देखिए, एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अल्टरनेट सीट पे बैठे जा रहे हैं, जैसे हर सीट पे बीच वाले मिडिल सीट पे क्रॉस की ऐसे क्रॉस बना दिया गया ताकि कोई इस पे बैठे ना, और दोनों साइड की सीट पे लोग बैठते हैं ताकि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और हर जगह क्लीनिंग की पूरी ध्यान दी जा रही है और सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए, सभी को कोरोना टूल्स बांटे जा रहे हैं, किट, मास्क एंड सैनिटाइजर एंड फेस शील्ड सभी लोगों को बांट दी गई है। अब सारे लोग शील्ड लगा रहे हैं और मास्क तो घर से भी लगा के आए थे, मगर एयरपोर्ट से भी बांटी जा रही है हर पैसेंजर को, एक एक करके दी जा रही है। देखिए, और जो लोग बीच के सीट में बैठ रहे हैं उन्हें पूरी फुल पीपी किट मिल रही है, पूरी बॉडी की वो पहनी हुई है। पहले तो सभी को दी जा रही थी, मगर अभी सिर्फ बीच के सीट, अगर किसी को बीच की सीट दी जा रही है तो उसे मिल रही है, नहीं तो बीच की सीट खाली होती है। ये देखिए, ये किट बांट रहे हैं हर पैसेंजर को। जो हमें किट मिली है उसके अंदर देखिए, ये एक मास्क है और इतने सारे ये सैनिटाइजर है और एक ये फेस शील्ड है। ये है किट पूरा जिसे बीच की सीट मिलती है उन्हें ये वाली किट पहनना होता है। ये वाली किट पूरी पहन के बीच की सीट के लिए। ये देखिए, सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है और किस तरह से एयरपोर्ट पे सारे लोग फेस मास्क और शील्ड लगाकर चल रहे हैं। और एयरपोर्ट पे भी ही चेकिंग के दौरान हर पैसेंजर को पीपी किट और मास्क दिया जा रहा है, उसके पहले कोरोना टेस्ट हो रहा है। यात्रीगणों की पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेकिंग हो रही है और पूरी प्योरिंग के साथ सैनिटाइज कर दिया जा रहा है हर सामान और हर लोगों को। क्लीन फूड की भी व्यवस्था है, हाइजीनिक फूड यहाँ पे उपलब्ध है। ये देखिए, फूड कॉर्नर बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। सोशल डिस्टेंसिंग की देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, इस तरह से बिल्कुल ही सेफ है एयर ट्रेवल की। ये देखिए, ये है गेट नंबर 5 एंड 6, 4 एंड 5, तो इस गेट से अभी जाने वाली है अमृतसर फ्लाइट। ये देखिए, गेट से बाहर बसें लगी हुई है जिस जिस डेस्टिनेशन को जाना है उस जगह के लिए। ये देखिए, गेट नंबर 2 पे बस लगी है एक और 4 पे भी एक बस लगी हुई है। और जो भी मतलब जिस भी लोगों को यहाँ पे जानी है, गेट से निकलते ही बस खड़ी है। बसों को सैनिटाइज किया गया है, बिल्कुल क्लीन है, क्लीन कर दिया गया है। ये देखिए, गेट नंबर 5 पे पायलट एंड एयर होस्टेस रेडी है। पहले पायलट जाएंगे, फिर एयर होस्टेस जाएंगे बिल्कुल सुरक्षाकर्मियों के साथ। उसके बाद सारे
पैसेंजर जाएंगे। ये देखिए बस भी आ गई है, बिल्कुल रेडी गेट के सामने लग गई है बस, और इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर सारे पैसेंजर को बस अपने डेस्टिनेशन पे, जिस भी फ्लाइट में जाना है उस फ्लाइट तक छोड़ देगी। अगेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये देखिए अमृतसर के और मुंबई के पैसेंजर अपने अपने फ्लाइट पे पहुंच गए हैं, और अमृतसर की फ्लाइट रनवे पे दौड़ रही है पैसेंजर को फ्लाइट तक ले जाने के लिए। अभी गेट खुलेगी और फिर सारे पैसेंजर इस बस पे बैठकर अपने फ्लाइट तक पहुंच जाएंगे। देखिए सारे पैसेंजर अपने फ्लाइट पे जाने के लिए बस पे जा रहे हैं। पूरी बस को भी सैनिटाइज की गई है, और थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक कर बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग को माइंडिंग करके पैसेंजर को अंदर बुलाया जा रहा है। ये देखिए कितना कितने रूल फॉलो करके कितने अच्छे से जाया जा रहा है। बाहर अफवाह उड़ी थी कि कोई भी ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि बहुत ही सिस्टमेटिक रूल अपनाए जा रहे हैं। और मैं भी आज चंडीगढ़ जा रही हूँ पटना से, देखिए देखकर ही आपको लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर रुक के और फिर डिस्टेंस मेंटेन करके पैसेंजर को अपने अपने बसों में आने दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि बिहार के लोग रूल फॉलो नहीं करते, बट मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि सारे पूरे रूल फॉलो कर रहे हैं। हर सीट के बीच में जिस पे क्रॉस लगाया है किसी पे भी यात्री नहीं बैठे हुए हैं, हर पे बैग रख दिए हैं, बट लोग दोनों साइड में ही बैठे हुए हैं। बीच वाली सीट सारी खाली है जिस पे क्रॉस लगी हुई है। देखिए आप भी देख रहे हैं, लोग यही समझते हैं कि बिहार के लोग अच्छे नहीं होते, रूल फॉलो नहीं करते, मगर ऐसी बात नहीं है। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, बिहार में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। देखिए रूल भी फॉलो की जा रही है, ऐसी नहीं है कि बिहार में सारे अनबैलेंस लोग ही रहते हैं। ये देखिए ये जो बीच की सीट जिसे मिलती है उनके लिए फुल्ली ये पीपी किट होते हैं। ये देखिए अब हम बस पे जा रहे हैं। सारे फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी है, अभी रनवे पे स्टार्ट हो जाएगी। बस आ गई अपने प्लेन के पास। ये
ये फ्लाइट के अंदर आ गए। ये देखो कितनी नीट एंड क्लीन पूरी सैनिटाइज की हुई बेल मेंटेन। और मैं अपनी सीट पे जा रही हूँ। मैं अपनी सीट पे आ गई हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह पीपी किट से लेस होकर पूरी सावधानी के साथ यात्रीगण अपना यात्रा कर पूरा कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं कि पूरी सुविधा और सफाई के साथ ये जर्नी प्लान की गई है। ये इंडिगो की फ्लाइट है और जो एयर होस्टेस हैं और अटेंडेंट है पूरी बेल मेंटेन है, पूरी सैनिटाइज और क्लीन वेल मेंटेन है। यहाँ तक कि अटेंडेंट जो हैंडीकैप्ट हैं उसे ला रहे हैं वो भी पूरी व्हीलचेयर भी पूरी सैनिटाइज की हुई है और पीपी किट से लेस होकर के पूरी सुरक्षा के मतलब ध्यान में रख के और जब एज्ड लोगों को भी लाया जा रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह सेफ है फ्लाइट की जर्नी। तो अब मतलब महंगी है, कॉस्टली है, बट सेफ है, इसलिए अब आने जाने और कहीं भी ट्रेवल करने के लिए उतने डरने की बात नहीं है। ये रनवे पे आ गई है अब विमान और ये उड़ने के लिए रेडी है। आपके और आपके सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि उड़ान के दौरान रन कर रही है फास्टली। ये है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना। फ्लाइट उड़ चुकी है और हम से बहुत ही ऊपर आ चुके हैं। चंडीगढ़ लैंड कर गई है फ्लाइट और हम सभी लैंड कर गए हैं, एयरपोर्ट आ चुके हैं, एग्जिट कर रहे हैं एयरपोर्ट से। अब पहले हम अपने लगेज बेल्ट से कलेक्ट कर लेंगे। ये है बेल्ट नंबर 4। अब हम यहाँ से अपने लगेज सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए कैसे सैनिटाइज होकर सारे लगेज आ रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की ये ट्रैवल प्लानिंग, हाइजीनिक ट्रैवल प्लानिंग आपको पसंद आई होगी और इतनी भी डरने की बात नहीं है। आप सभी काम कर सकते हैं प्रिकॉशन के साथ, अपने आप को सुरक्षित रख के अपने काम पे चल पड़िए। कोरोना के डर से किसी काम के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये ट्रैवल प्लानिंग कोरोना के दौरान जो ट्रैवल करते हैं सुरक्षित है, ये बात आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में, रिलेशनशिप में, सारे रिलेटिव्स में ये इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। पूरी एयरपोर्ट पे देख रहे हैं आप, कोई भीड़ नहीं है। किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग कितने अच्छे से मेंटेन की हुई है और सफाई की भी बहुत ध्यान रखी है, पूरी तरह से हाइजीन है, इसीलिए ट्रैवल करने में कोई टेंशन नहीं है।
आप निश्चिंत होकर अपने काम पे प्रिकॉशन के साथ ट्रैवल कीजिए, अपने काम कीजिए, किसी काम के लिए रुकना उतनी ज़रूरी नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।